को माय यूट्यूब फैमिली, कैसे आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी मैं भी ठीक हूँ। और इस टाइम हम कहाँ बैठे हैं, मुझे भूल जाता है। बुखारी लंदन, लंदन। अच्छा, इस टाइम मैं हूँ लंदन। अगर किसी ने मुझसे मिलने आना है तो लंदन मिलने आ जाए। और यहाँ पे काफ़ी शूटिंग्स चल रही हैं क्योंकि ये नई स्ट्रीट है, यहाँ पर लोग आके अपनी सेल्फियाँ ये सारा कुछ करते हैं। तो बस अभी हम जा रहे हैं ओशन मॉल, वहाँ पर मूवी देखनी है, जिन्नों वाली हॉरर मूवी देखनी है। ये मुझे दिल बने दिए हैं, ये यहाँ खड़ा पेट पीछे कर रहा है। आई एम स्लिम, तो मैं स्लिम करूँगी। अब मैं हो चुकी हूँ, मेरा जो इंचेस काफ़ी कम हो चुके हैं, लेकिन मैं बताऊँगी अभी आपके साथ शेयर नहीं करना चाहती। झूठ मारती है, झूठ मारती है, झूठ मारती है। ये सच बोलता है ये? तुम सच कब बोलते हो? बताओ आप। देखो मैं, इसने मुझे कहा कि मुझे तुम छोड़ कर यहाँ से चली जाओ, तो मैं गाइस जल्दी चली जाऊँगी। अगर ये मेरे पीछे आया तो आप सब ने इसको सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो मैं कितना स्मार्ट मैं दिखाती हूँ ये कितना स्मार्ट है मोटू। तो अभी जो है ना, हम लोग आए हुए हैं बुखारी पर। मैंने कहा ये व्यू चेक करें आप। और यहाँ पे जो है ना, मैं गजरे दो जोड़ लाए थे, एक सनिया के लिए और एक अम्मी के लिए। तो क्या कहते हैं, अम्मी को तो जो है ना मैंने पहना दिए थे, सनिया ने पहनाए थे, और ये जो है ना इसके गजरे, इसको मैं पहनाता हूँ। चले जी, आप ये कैमरा पकड़े, वीडियो बनाए, मैं आपको गजरा पहना देता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है उस्ताद जी, चेक दे पटेल है। शुक्रिया दो जी, शुक्राना बीबी, शुक्राना। देखने वाला नहीं तो यही समझ रहा है। हम बाहर वाले सिटी में बैठे हुए ना, यहाँ पे लोग ये चीजें नहीं करते, ये लोग खुश होते हैं। आपका कैमरा अच्छा नहीं, कितने रेड हॉट आते हैं। कोई बात नहीं, ये लो जी, थैंक यू सो मच, वेलकम वेलकम। क्योंकि ये भी एक मदर है, और मदर्स डे पर, जी जी, मदर्स डे पे मेरा हक बनता है कि इनको भी जो है ना ये चीज पहनानी चाहिए। जी जी, जबरदस्ती मैंने ली है, ऐसा नंबर ना बनाओ। कोई बात नहीं, जो भी अच्छा, ये मर्सिडीज गाड़ी नहीं जा रही। और हम लोग जो है ना इस टाइम, हम लोग जो है ना लंदन की एक सड़क पर बैठे हुए हैं, खैबान बुखारी लाइन नंबर 9 लंदन की बैठे हुए हैं। ठीक है जी, तो बहुत मजा आ रहा है, दिल करन गनर आ रहा है। और चेक दे फटे, जिसको जरा ना जल्दी जल्दी देख ले, बेचारा सांस रोक के बैठे है, देखना वो देखो। इसे मैं बहुत कहती हूँ कि आप अच्छे नहीं लगते, अपना पेट थोड़ा सा कम कर लें। चलो मैं तो मोटी हुई हूँ, आप तो पतले रहो। लेकिन इसने बोला सनिया मैं आपको कॉपी करूंगा। ये पता नहीं क्यों हर किसी को कॉपी करता रहता है। सांस तो ले लो, पेट नहीं दिखा रही। चलें जी, यहाँ का व्यू बहुत खूबसूरत है। अभी हम चलते हैं घर और मैं आपको वो फूल जाके नजदीक से दिखाती हूँ। ड्राइवर साहब बाइक ले आए। देखें यूट्यूब फैमिली, ये जो फूल है ना, ये फूल मेरी ज़िंदगी है। मुझे ये इतना पसंद है ना, इसकी खुशबू बहुत पसंद है मुझे। ये देखें, चारों तरफ इसके फूल लगे हुए हैं, ऊपर भी हैं। लेकिन ये देखें, मुझे ये बहुत अच्छे लगते हैं, इनकी खुशबू बहुत अच्छी होती है, इसके पाउडर भी बनते हैं। इंशाल्लाह घर ले लिया है, अपने घर में ये रखूँगी। फ़िलहाल तो मैं पंजाब जा रही हूँ, मुझे थोड़ा सा ज़रूरी काम है। तो ड्राइवर मेरा कह रहा है जल्दी जल्दी आ जाओ, ये चेक करें गाइस आप। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इन फूलों की तरह हमें भी साफ सुथरा निखरा रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हमारे दिल भर को भी खुश और आबाद रखे। चलें जी, ये सामने शूटिंग चल रही है, बेचारे थक गए हैं, लेकिन इनकी फोटो ही नहीं बन रही। ये दरख्त जो है माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत है, इसके ऊपर ये पहले ये इस तरह के फूल लगते हैं जी। बाकी ये वाले फूल आप चेक करें कितने खूबसूरत हैं। इसके पास मैं जा नहीं सकती क्योंकि ढेरों बंदे यहाँ पे आ चुके हैं। बस यहाँ से अभी हम निकल रहे हैं और फिलहाल लंदन को करते हैं बाय बाय। लंदन को करते हैं बाय बाय, हम जाते हैं ओशन मॉल। हम जा रहे हैं ओशन मॉल आज। हाँ, पेट थोड़ा पीछे कर लो। हाँ है सर, इसने जो अपने ना मोस्ट वॉल पेपर लगाया ना, पेट छुपाया इसने ना अपना, इसने अपना पेट छुपाया और उसके ऊपर इसने स्टिकर लगाया, मैं आपको बता रही हूँ। सांस बेचारे का बंद है, मैं कैमरा साइड पे कर रही हूँ, सांस ले लो। पहुंच गए हैं दिलबर जो है वो अपनी बाइक को पार्किंग के लिए लगाने के लिए गया, क्योंकि यहाँ तो पार्किंग सारी बंद हो गई थी। खैर मैं यहाँ रोड पे खड़े होकर उनका वेट कर रही हूँ, वो आते हैं तो फिर मैं जाती हूँ। चले भी, मूवी एंजॉय करने के लिए हम लोगों ने पानी, पॉपकॉर्न और ये कोल्ड ड्रिंक ये आ गई है। बाकी ये कुछ बता रहे हैं तो बाद में भाई ये पढ़ के आपको सुनाएगा।
अभी हम जा रहे हैं वापस, 2 बजे, बहुत ठंडी हवा है और बहुत अच्छा माहौल है। बस ये है कि अपना टेंशन फ्री हो जाती है। प्यारी सी माँ यहाँ पे खड़ी है, वैसे तो माँ से प्यार करके मुझे तो डर लगता है, ये मारती हैं आगे से। अब पैर पंचर है उसको पता नहीं है, बस इनको सिर्फ जो है ना गाड़ी चलाना पता है। अब देखो वो पैर को आग भी लग रही है, अल्लाह खैर करे, हम भी जा रहे हैं पीछे पीछे। वो देखो पंचर है लेकिन लेडीज है, हमें क्या पता। बस फ्रेंड चलें ठीक, कल तो मैंने अपने अकेले की टिकट करवाई थी लेकिन वो इन्होंने कैंसिल करवा के अब अपने भी साथ करवा रहे हैं। देखिए अभी क्या बनते हैं, कंफर्म होते हैं या नहीं। चलिए जी अभी हम ये स्टेशन पर बैठे हैं, आई थिंक यहाँ पर टिकट्स होती हैं, तो देखें क्या होता है। मेरी तो ना गर्मी ने बस करवा दी, इतनी गर्मी है कि पंखे कुछ भी नहीं करते। ये जो दिन है ना ये एसी के हैं। बस दुआ करें कि अपना घर सेट हो जाए तो सब ठीक हो जाए, अदरवाइज मेरी हालत तो बहुत ख़राब है सच में। इतना मेरा तो सर ही बहुत दुख रहा है, इतना मेरे सर में दर्द है कि नहीं जा रहा। जिसकी जो है ना कल की टिकट हमने कैंसिल करवा के आज हम दोनों ने जो है ना आज की टिकट करवा ली है, जिसमें हम तीनों साथ जाएंगे, मैं, अम्मी और सनिया। तो आपका बूथा क्यों सुझा हुआ है? वाई व्हाट इज योर रीजन? सुझा हुआ रहता है तो दिस गाइस को दिस वाइज द थप्पड़ मारिंग एंड देन यू आर बूथा इज ठीक होविंग। तो इस टाइम हम लोग जो है ना जी, हाँ टेक्नो का क्या मोबाइल आया, चक दे फटे 512। अच्छा जी 70 वोल्ट का चार्जिंग दिया है, हाय हाय हाय, सोनी मैक्स 890 OIS। अच्छा जो भी है, इधर से हमने टिकट शिकट करवा ली है तो बस अब फाइनली हम लोग अभी घर जाते हैं। हाँ जी चलें घर, या रास्ते में कुछ पीना है, जूस वूस पी लो। इसको भाई स्टाइलो पे एक चप्पल नजर आ रही है, वो इसको लेके दोगे तो ये सारा कुछ खाएगी पिएगी, मैं बोलता हूँ फिर कूदेगी, और नहीं लेके दोगे तो फिर ये ऐसे रोएगी। वाह 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 वाह, क्या कैसे लोग हैं, कहाँ कहाँ से आते हैं पता नहीं। हाँ चलो, हाँ कहाँ से चलिए ले जी, मैंने ये शूज लिए मुझे मेरे भाइयाँ वो बिजी हैं, मैं यहाँ से जूता उठाती हूँ और यहाँ पहन के इतने कर लिए, ये तो सिर्फ मेरे लिए है, इसका मुंह खराब है। शूज ये भी देखा है, अब देखे कौन सा फाइनल होता है, ये सारे मैंने निकाल कर रखे हैं, अब मुझे अपना अच्छा नहीं लग रहा। ये देखिए अच्छी लग रही है लेकिन मेरे पाँव जख्मी हुए हैं थोड़े से। असल में ये ऐसा, अभी मैं अपने शूज़ की केयर करूंगी, और ये इसलिए मुझे पता है आपको कैसे लेकर दिया मुझे, अभी फाइनल ये हुआ है कि ईद पर भी मुझे शूज़ नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं ईद पर तो फिर मैं कोई और घर से वेयर कर लूँगी। तो फिलहाल मुझे ये शूज़ बहुत अच्छा लग रहा है, इस वजह से बहुत सॉफ्ट भी है, बस अल्लाह ताला पहनना नसीब करे। पिंक कलर मैंने लिया, ब्लैक कलर इसमें नहीं था, ख़त्म हो चुका था, वो क्रीम सा कलर दिखा रहे थे, वो पाँव में इतना अच्छा नहीं लग रहा था, ये सही लग रहा था तो फिर इसलिए मैंने ये ले लिया। सफाई के लिए ये हाथ पेपर नैल वॉशरूम का ब्रश और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें ली हैं, अभी घर जाकर छुड़ा के फिर रात को सफाई करूँगी इंशाल्लाह। चलिए जी आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आएगा। एक्चुअली ये रात का कुछ व्लॉग है, आज दिन में घर की सफाई के लिए थोड़ा सा सामान लेने गई थी तो वो लिया है, और अभी घर में मैंने वो घर की चाबी भी मेरे पास है, वॉशरूम वगैरह में मैंने ऐसे तेजाब वगैरह डाला है तो जो मुझे खैर उन्होंने बताया मैंने वो डाला है, मजीद उसकी रात को सफाई करूँगी। और मेरे पास शूज़ नहीं था क्योंकि ईद पे तो मैंने लिया था, लेकिन आपको पता है कि वो वेलवेट का फैंसी शूज़ है, वो हम हर टाइम पहन कर नहीं जा सकते, इसलिए मुझे थोड़ा सा कंफर्टेबल और ऐसा चाहिए था कि जो मैं इजीली बाहर भी पहन कर जा सकूं और फैंसी का फैंसी हो, तो इसलिए फिर मुझे दिलबर ने ये शूज़ भी लेकर दिए।
और रुबीना माँ ने भी आज एक और शूज लिया, उन्होंने भी माशाल्लाह से वो भी बहुत प्यारा है। पता नहीं वो अपने ब्लॉग में दिखाती हैं कि नहीं दिखाती हैं। दूसरी बात ये है कि मम्मा से सुबह उठते ही बात की, उनको विश किया, वो भी कह रही थी कि मुझे तो लगा था कि अभी लेट है, लेकिन आपने बेटा मुझे विश किया है, तो उसके लिए वो थोड़ी उदास भी थी, परेशान भी थी, लेकिन फिर मैं हानिया के लिए भी काफ़ी अफसरदा थी, लेकिन कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं अभी तो मैं जब जाऊंगी तो कुछ भी नहीं लेकर जा पाऊंगी क्योंकि मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है, घर के सारे पेमेंट दे दिए, लेकिन इंशाल्लाह ईद के करीब या ईद के बाद जब भी मैं जाऊंगी तो मैं उनके लिए लाजमी गिफ्ट लेकर जाऊंगी, नूर के लिए भी लेकर जाऊंगी। दूसरा, मैं तो खैर आज सरप्राइज़ के तौर पर अकेली ही जा रही थी, लेकिन फिर मुझे दिलबर ने और वालदा ने रोक लिया कि बेटा आप अभी नहीं जाएँ, आप नेक्स्ट हमारे साथ ही चलिएगा। हर काम में भलाई होती है, तो फिर बस मैं इसलिए रुक गई थी, अदरवाइज़ मैं शायद आज पहुँच जाती। उसके अलावा गर्मी की शिद्दत इतनी है, आपको मेरी आंखों से दिख रहा होगा। दूसरा, मैं इतना बोलना चाहूंगी कि बस सितारा को आज रोता हुआ देख के मुझे ना बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, और ऐसे लग रहा था जैसे मैं खुद रो रही होती हूँ। तो जाहिर सी बात है कि इंसान को इतनी तकलीफ ना दें, वो खुद भी अपने ब्लॉग में बोल रही थी कि इतनी तकलीफ ना दें कि मैं कुछ गलत करूँ, वो पहले भी अपने साथ कुछ कर चुकी हैं, तो इसलिए हमें उनकी सपोर्ट करनी चाहिए। मैं कुछ भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं बोल सकती, मेरा बोलना शायद कुछ लोगों को बुरा भी लगे और किसी को अच्छा भी लगे, तो इसलिए मैं बस इतना ही बोलूँगी कि बस किसी को इतनी तकलीफ ना दें, वो भी एक इंसान है जैसे हम इंसान हैं ना, वो हंसती हुई अच्छी लगती हैं, तो कोशिश क्या करें कि उसको हंसता ही रहने दिया करें। तो दूसरी बात, मैं थोड़ी सी इसमें और ऐड करती चलूँ कि जब एक औरत कामयाबी की तरफ जाती है ना, तो वहाँ पर उसके साथ दुश्मन ज़्यादा होते हैं, अपने कम होते हैं, इसीलिए वो अकेली रह जाती है, फिर भी वो कोशिश करती है। अगर वो अपने बच्चों के लिए मेहनत कर रही है तो उसको सपोर्ट करें। तो एक बात जो मुझे उनकी अपने साथ एक बिल्कुल कॉमन लगी है ना, कि हाँ मैं जब हंसता हुआ दिखाती हूँ तो वो समझती हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, ये है वो है, मेरी हंसी के पीछे का दुख किसी को नज़र नहीं आता। तो सही बात है कि मेरा हंसना बहुत से लोगों को बुरा लगता है, मेरा बात करना, मेरी आवाज़ बुरी लगती है। देखिए, ये हंसना, मेरा हंसना कैसा है, मेरी आवाज़ कैसी है, ये मुझे अल्लाह ताला ने दी है, आप लोगों ने नहीं दी, मैं आप लोगों के कहने पर अपनी आवाज़ ये सारी चीज़ें चेंज नहीं कर सकती, इसलिए काइंडली आप इस चीज़ों को ना किया करें। तो दूसरी बात ये है कि मैं सिर्फ व्लॉग में इसलिए आकर हंसती हूँ, खासतौर पे दिलबर के व्लॉग में, ताकि उनका व्लॉग मेरी वजह से ख़राब ना हो। मुझे जो दुख तकलीफ़ होती है वो मैं अपने व्लॉग में बताती हूँ, मैं कभी उनके व्लॉग में बताने की कोशिश नहीं की। वो जिस तरह हंसी खुशी रहते हैं, मेरी कोशिश होती है कि मैं उनके व्लॉग में वैसे ही हंसी खुशी उनके साथ बातें करूँ, ठीक है ना। जो आपको हंसी खुशी दिख रही होती है ना, वो 24 घंटे के लिए नहीं होती, तो काइंडली इस तरह किसी को आप परेशान ना किया करें। जिसको मैं अच्छी नहीं लगती वो मुझे ना देखा करें, लेकिन आप लोग अपनी अब राय भी देना बंद कर दें, ठीक है ना। हर चीज़ जब ख़त्म हो चुकी है तो वो ख़त्म हो चुकी है, उसको दोबारा जगाएं नहीं, ठीक है ना। तो काइंडली सितारा का भी ख्याल रखें, उसको भी सपोर्ट करें। मैं उनको फर्स्ट डे से देख रही हूँ, और समटाइम कुछ व्लॉग्स अंदर से मैंने नहीं भी देखे होंगे, मिस भी हो जाते हैं सब चीज़ों में, समझ सकते हैं आप लोग। तो बस इसीलिए मैं ये थोड़ा सा उनके लिए बोलना चाह रही थी। अगर तो मैं उनके बारे में बोलना चाहूँ तो मैं बहुत लंबा व्लॉग बना सकती हूँ, लेकिन नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं उनके लिए व्लॉग बनाऊँ फिर लोग इस चीज़ का भी गलत मतलब लें। लेकिन अगर कोई तकलीफ़ में होता है ना, तो उसकी तकलीफ़ कम करनी चाहिए, उसकी तकलीफ़ बढ़ानी नहीं चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम उसकी तकलीफ़ बढ़ाते हैं। आप लोगों के साथ आज मैं एक चीज़ शेयर करती हूँ जो मैंने खुद एक तजर्बा किया है। मैं अक्सर सोचती हूँ कि यार, हम जब परेशान होते हैं तो हम क्यों व्लॉग बनाना शुरू कर देते हैं, हम परेशानी में अपना कैमरा ही क्यों उठाते हैं। देखें, जब हमारी एक प्राइवेसी ख़त्म हो चुकी है व्लॉगिंग में, इसमें हमने अपना, हमारा माँ बाप कौन है, बहन भाई कितने, कौन कहाँ रहता है, कौन कैसा दिखता है, हमने हर चीज़ तो बताई, हम घर में क्या खा रहे हैं, हमारी किसके साथ क्या लड़ाई, किसके साथ क्या सुलह, किसके साथ क्या रिश्ता है, हमने किसी को क्या बोला, ये हर चीज़ें हम लोगों ने खुद ही यहाँ पर ला कर रखी हैं। तो आप लोग देखते हैं, आप लोगों से मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन क्या है कि जब हम परेशान होते हैं ना, तो मैं खास तौर पे जब मैं परेशान होती हूँ ना, तो मैं खुद सोच रही थी कि ऑटोमेटिक ही मैं अपना कैमरा उठाती हूँ, मैं बोलती हूँ। क्या है कि देखो, उस वक्त दुख तकलीफ जो हमारी कोई नहीं सुन रहा होता ना, हम व्लॉग में ऐड कर देते हैं। ये होता है कि यार, फिर मुझे बहुत ज़्यादा लोग सुनने वाले हैं। तो काइंडली इतना भी किसी को ना किया करें। इंसान ये जब हम कैमरा उठाते हैं ना, कैमरे ने तो आगे से तो नहीं ना कहना कि बाजी या भाई चुप हो जा, मैं थक गया हूँ सुन सुन के। कैमरे का क्या मतलब है, रिकॉर्ड करना।
अब अगर आप यकीन करें कि तो ये वीडियो मैं छठी दफा रिकॉर्ड कर रही हूँ, कैमरे ने तो मुझे एक दफा भी नहीं रोका, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि बाज दफा मैं कहती हूँ कि हमें वो चीज़ डालनी चाहिए जिसमें आपका ज़मीर मुतमिन हो कि यार मैंने ये बिल्कुल ठीक बोला है, ठीक है ना। आगे तो वो फिर आप लोगों की मर्जी कि आपने उसको किस तरह से लेना है। बस यही बोलूंगी कि सबको दुआओं में याद रखा करें। कैमरा हम उस वक्त उठाते हैं जब हम खुश होते हैं, और हम ये चाहते हैं कि हम अगले बंदे को खुशी के साथ, जो लोग हमें देख रहे हैं वो खुश देखें। किसी को हम अच्छे भी लगते हैं, किसी को हम बुरे भी लगते हैं, और कैमरा हम उस वक्त भी उठाते हैं जब हम बहुत ज़्यादा तकलीफ में होते हैं। एक चीज़ मैं और क्लियर करती चलूँ कि मैं दिलबर के व्लॉग में इसलिए हंस के बनाती हूँ ताकि उसका व्लॉग ख़राब ना हो। मुझे जो दुख तकलीफ होती है या बात शेयर करनी होती है मैं अपने व्लॉग में करती हूँ। एक ही इंसान हूँ, मेरे कोई दो तीन चेहरे नहीं है। तो बस इसी के साथ मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आएगा। तो बस इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। आज मैं अपनी माँ को, अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, और कुछ चीज़ें बताई नहीं जाती ना ही तो हम दिखा सकते हैं, बस हम फील ही करा सकते हैं। अगर कोई फील कर सके तो ठीक है, अदरवाइज कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज़।